होते हैं थ्री टाइप्स के, पॉलिटिकल, फिजिकल एंड थीमेटिक मैप्स। सो विच वन इज दिस मैप? दिस इज पॉलिटिकल मैप, क्योंकि इसमें बाउंड्रीज बनी है। लुक एट दिस, ये देखो सारी ये जो है बाउंड्रीज, जिस मैप में बाउंड्रीज होती हैं वो मैप कौन सा होता है? पॉलिटिकल मैप। सो दिस इज इंडियन पॉलिटिकल मैप, आपकी कंट्री का जो मैप है इंडियन पॉलिटिकल मैप है। स्टूडेंट्स नाउ लुक एट योर बुक, हियर इज मैप स्किल, पेज नंबर 64, यू हैव टू ओपन इट एंड रीड दिस सेंटेंसेस। ओके, फर्स्ट वन इज, आई विल रीड फॉर यू, ऑन अ पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया लोकेट, लेबल एंड कलर द फॉलोइंग प्लेसेस। आपने एक एम्प्टी मैप लेना है, पॉलिटिकल मैप जिसमें बाउंड्रीज बनी होंगी, और उसमें आपने जैसे मैं बता रही हूँ वैसे स्टेट्स को फिल करना है। जहाँ स्टेट्स लिखे हैं वहाँ स्टेट्स फिल करेंगे, जहाँ आपकी सिटी और कैपिटल है वहाँ पर हम सिटी और कैपिटल को फिल करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? सो टेक अ पेंसिल, और एक चीज़ और ध्यान में रखनी है, मैप फिल करते हुए हमेशा पेंसिल से फिल करना। क्लियर स्टूडेंट्स? यस। फर्स्ट वन इज अ स्टेट फेमस फॉर सेल आर्ट एंड पटचित्र। पटचित्र यानी कपड़े पर जो चित्र पेंटिंग की जाती है वो कौन सी स्टेट से बिलोंग करती है, कौन सी स्टेट में होती है। आपको लेसन के स्टार्ट में मैंने एक स्टोरी सुनाई थी, आप बताइए उसमें से वो स्टोरी आई है। यस, बहरामपुर विलेज और स्टेट, क्योंकि हमने यहाँ सिर्फ स्टेट लोकेट करनी है। सो यू हैव टू गो टू ओडिशा, ओडिशा स्टेट। लुक एट दिस स्टूडेंट्स, यस दिस वन, यू हैव टू लोकेट दिस स्टेट ओडिशा। इज इट क्लियर टू ऑल? यस। नेक्स्ट स्टेटमेंट, अ स्टेट वेयर व्हाइट रेवोल्यूशन ओरिजिनेटेड, यानी जो दुग्ध क्रांति थी आपके, ऑपरेशन फ्लड आपके लेसन में आया था, ऑपरेशन फ्लड, ये कौन से स्टेट से बिलोंग करता है, कहाँ से शुरू हुआ था? यस, इट इज फ्रॉम गुजरात। लुक एट हियर स्टूडेंट्स, इट इज फ्रॉम गुजरात, यू हैव टू फिल इट इन योर मैप। क्लियर? नेक्स्ट वन, अ स्टेट वेयर ग्रीन रेवोल्यूशन इंक्रीज द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कहाँ पर बढ़ा था? आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन, यानी जब हरित क्रांति आई थी फसलों के लिए, हमने न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू सीड्स, अच्छे बीजों का इस्तेमाल शुरू किया था, यूज़ करना शुरू किया था, तब कौन सी स्टेट में सबसे ज़्यादा क्रॉप कल्टिवेशन होने लगा था, अच्छी क्वालिटी के अनाज सब कुछ प्रोड्यूस होने लगा था? दैट इज ए पंजाब। यस, लुक एट दिस, आपके हरियाणा की नेबरिंग कंट्री भी है पंजाब। यू हैव टू मार्क द स्टेट पंजाब फॉर ग्रीन रेवोल्यूशन। नेक्स्ट, अ स्टेट विद हाईएस्ट वुमेन्स लिटरेसी रेट। यस, स्टेट विद हाईएस्ट वुमेन लिटरेसी रेट, मीन टू से जहाँ पर लेडीज सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी है, जहाँ पर साक्षरता दर, लिटरेसी रेट मीन टू से साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है। यस स्टूडेंट्स, लुक एट दिस मैप, यस इट इज इन केरला, मार्केट हियर केरला, ये केरला में है, यू हैव टू मार्क इट इन योर मैप केरला लिटरेसी रेट, हाईएस्ट लिटरेसी रेट। नेक्स्ट वन इज टेक्नोलॉजी सिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इज अ टेक्नोलॉजी सिटी ऑफ इंडिया, यानी इंडिया में सबसे ज़्यादा टेक्निकल इम्प्रूवमेंट, अच्छी टेक्नोलॉजीज कौन सी स्टेट में होती है? बट हियर लुक एट दिस स्टेटमेंट, यू डोंट टेल टू स्टेट हियर, आपको यहाँ स्टेट नहीं बतानी है, क्योंकि यहाँ स्टेट नहीं पूछा है उन्होंने, दे सेड ओनली अ टेक्नोलॉजी सिटी, यहाँ उन्होंने सिटी पूछा है। तो सबसे पहले तो आप सिटी का नेम आपको लर्न होना चाहिए, दैट इज बेंगलोर, यू हैव टू मार्क बेंगलोर हियर। लुक एट दिस बेंगलोर, डोंट मार्क हियर स्टेट कर्नाटका, यू हैव टू मार्क हियर बेंगलोर। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज योर मैप स्किल एंड नाउ, ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव टू डू दिस क्वेश्चन नंबर 5, लुक एट द पिक्चर, हु आर दे, नेम द ऑक्यूपेशन एंड राइट वन सेंटेंस अबाउट इट। स्टूडेंट्स यू हैव टू रिकॉग्नाइज द पिक्चर्स, आपको ये पहचानना है कि ये पिक्चर्स किस ऑक्यूपेशन से रिलेटेड है। क्लियर? एंड यू हैव टू राइट वन सेंटेंस, और उस ऑक्यूपेशन से रिलेटेड आपको एक सेंटेंस यहाँ पर लिखना है। फर्स्ट वन मैं आपको करके बताती हूँ, देन आफ्टर यू हैव टू डू ऑल दीज। ओके, फर्स्ट, यस, हूज पिक्चर इज दिस? शी इज एयर होस्टेस, तो आप यहाँ फिल करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट वन, दिस प्रोफेशन इज रिलेटेड विद इंडियन एयरलाइंस, एंड हू इज शी? शी इज एयर होस्टेस।
now you have to make one sentence. She is air hostess working in Indian Airlines. So you have to make sentences like this, and you have to draw this page here on. Okay, students.